अरे बच्चों, आज इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 का, आज साइंस और कॉमर्स वालों का इसमें भी लास्ट एग्जाम था 100 नंबर का। देर से सॉल्यूशन दे रहे, उसका रीजन था कि मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब था, तो अभी हमको क्वेश्चन मिला है तो मैं उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग का जो है, हम सेट जो है, ये सेट कौन सा है, सेट आपका देख लेते हैं। सेट जो है इसमें, हाँ सेट एफ है, ठीक है ना। तो आप लोग अपना अपना सेट से मिला लीजिएगा, ठीक है ना। उसका सॉल्यूशन हम देने जा रहे हैं। 60 क्वेश्चन है इसमें, 60 में से 50 बनाना था, तो 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता आप ये कमेंट बॉक्स में बताओ। देखिए, पहला क्वेश्चन है सी इज डॉट डॉट बी एबव 40। मीन्स यहाँ पे ईयर की बात करें तो हम बताए थे कि बिल का प्रयोग जो है वो हम अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा, ए यानी बिल। आप लोग अगर ना दिखे तो मेरे बातों को सुनिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। हु इज द पर्सन डॉट डॉट दिस पिक्चर, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी यानी इन लगेगा, मीन्स इस पिक्चर में कौन है। प्लीज गिव मी डॉट डॉट केक डैट इज ऑन द टेबल। देखिए बच्चों, आप लोगों ने ए मारा होगा, ठीक है ना, तो ए नहीं होगा, क्या होगा, सी होगा। क्यों? क्योंकि हम उस केक की बात कर रहे हैं जो टेबल पे है, मींस ऑन द टेबल। स्पेशल की बात कर रहे हैं तो स्पेशल में हमने क्या लगाएगा, द लगाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां पे देखिएगा, यहां पे लगा आई नो, तो मींस होगा नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं होगा। यहां पे आई हैड है तो हैड होगा नहीं, यहां पे बिल है तो बिल होगा नहीं, तो जब भी होगा तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ए यानी कि आई डू नॉट लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द टीचर डॉट डॉट द लेसन यस्टरडे। अभी स्टरडे लगा हुआ, यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वी टू, और प्लस क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन वी टू नहीं है, तो वी टू कहां पे मिला, डॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी। इट मे रेन बी विल गेट वेट, ठीक है ना, अगर बारिश होती है तो हम लोग भींग जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी ऑप्शन नंबर इफ इट रेन्स बी विल गेट वेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी। प्लीज बी क्वाइट आई डॉट डॉट मे माई होमवर्क, ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे प्लीज बी क्वाइट, चुप रहिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी आई एम डूइंग, ठीक है ना। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया था, याद करिएगा, ये नोट्स देख लीजिएगा। रीता डॉट डॉट टू द रेडियो, यानी कि रीता इज लिसनिंग टू द रेडियो, ठीक है ना, रीता रेडियो सुन रही है। द कैट इज ईटिंग द फिश। अब यहाँ पे देखोगे, ये पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना, पैसिव वॉइस। तो द फिश इधर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फिश इज बींग, कहाँ पे मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में, द फिश इज बींग ईटन बाई कैट। यहाँ पे देखोगे, चूज करेक्ट स्पेल करना, तो विटामिन का स्पेलिंग होता है बी आई टी ए एम आई एन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अभी 11 में देखते हैं, ही इज डॉट डॉट क्लासिकल म्यूजिक फॉर आवर्स एवरी डे। देखिए एवरी डे लग गया, यहाँ पे फॉर 4 आवर्स है, लेकिन यहाँ पे एवरी डे लगने के कारण ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसेस। 12 में देखते हैं, द मदर सेट इन द कॉर्नर इन अ कॉर्नर डॉट डॉट हर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी टू बाच होगा, क्या होगा, टू बाच होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा एनी ऑफ द, क्योंकि हमने बताया था कि एनी ऑफ मेनी ऑफ के बाद में क्या लगता है, द, क्योंकि कोई कोई लोग ये बताएंगे तो ये नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, बी होगा। आगे देखते हैं, द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड। अब देखिए, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें मे लगा हुआ है, हैड होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हैव है, तो जब भी होगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, यानी संबंध। हमने बोला था कि पैसिव का ऑब्जेक्ट के रूप में संबंध का प्रयोग नहीं करते हैं, और यहाँ पे पैसिव यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे देखेंगे, यू डॉट डॉट द पियानो, तो यू आर प्लेइंग द पियानो, यानी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा, इनका गलत मारा हुआ होगा, ठीक है ना, तो जो हम बना रहे रेड से बना रहे उसको देखना है आप लोगों को। बी डॉट डॉट हिम यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा, बी विजिटेड, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है, यस्टरडे लगे, यानी पास्ट, पास्ट यानी अभी हमने बताया, सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक टेंस और दो क्वेश्चन मिल गया। यहाँ पे देखेंगे, बी डॉट डॉट डैट यू वुड सक्सेड, यानी बी होप्ड, यहाँ पे क्या होगा, होप्ड होगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। 19 में, आरती मेड मी डॉट डॉट माई शूज बिफोर आई वेंट इन टू हर हाउस, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा छोटू, टेक ऑफ हो जाएगा।
यहाँ पे ही सेड टू मी विल यू पोस्ट दिस लेटर फॉर मी। देखिए यहाँ पे फॉर मी लिखा हुआ है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे टू हिम है, टू हिम है, टू हिम है, तो ये तीनों जो हो गया गलत हो गया, यानी बिना सोचे समझे हम इसको बना सकते हैं। ऐसे अगर बनाने की बात कीजिएगा तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही रह जाएगा, सेड का क्या हो जाएगा तो आस्क्ड हो जाएगा, उसके बाद मी हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे इफ हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का ए होगा। यहाँ पे ही इज गोइंग टू डू लिव नेक्स्ट डे, यहाँ पे नेक्स्ट वीक लिखा हुआ तो उससे मतलब नहीं, ही इज गोइंग के बाद में क्या लगेगा, ऑन लगेगा, प्रीपोजिशन की बात है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखो सी वेंट्स 3x, तो ये सी वॉन्ट्स है, सॉरी सी वॉन्ट्स है, तो यहाँ पे 3x है, तो कोई कोई इसको भी मार सकते हैं, लेकिन हड़बड़ में वो नहीं काम करना है क्योंकि सी वॉन्ट्स 3x, यानी कि यहां देखना है और मारना है ऑप्शन नंबर डी, 22 का डी। देखिएगा यहाँ पे ही ड्राइव टू वर्क, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज, क्योंकि डज ही ड्राइव टू वर्क, हैज होगा नहीं, डू नॉट होगा नहीं, डू होगा नहीं, तो जब भी होगा तो क्या होगा, डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें। अब देखिए यहाँ पे स्टडी लिखा हुआ है तो जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, बेट, यानी पास्ट इंडिफिनिट से हमारा कितना क्वेश्चन हो गया, 3, यानी सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं 25 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड नहीं, टॉक्ड होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉक्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये बच्चा मारा है डी, तो इसे हम देख लिए थे, नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे ही नेवर टेल अ लाई, देखिएगा दोनों में बहुत अंतर नहीं है लेकिन टेल के बाद में ए होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, डी। सी इज प्लेस्ड विथ, प्लेस्ड के बाद में बताया था कि क्या होगा, विथ होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यू डॉट डॉट गेट अ न्यू ड्रेस टुमारो, यानी बिल, पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट, यहां देखिएगा फ्यूचर इंडिफिनिट, सब्जेक्ट प्लस भीवन, सॉरी सैलिया बिल, भीवन प्लस ऑब्जेक्ट, तो भीवन हमारा, सॉरी सैलिया बिल में क्या लगेगा, यू के साथ बिल लगेगा। यहाँ देखिएगा ही हैज ब्रोकन हिज लेग सो ही डॉट डॉट प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पैर टूट गया तो कन्फर्म है कि वो नहीं खेल सकता है, तो नहीं खेल सकता है, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यानी कैन नॉट हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ट, यानी इंटेलिजेंट का स्पेलिंग, तो आप लोग जानते हैं INTELLIGENT। लेट मी द क्लासरूम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन्स लेट मी, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भीवन, तो भीवन हमको खोजना है, बाकी को नहीं देखना है, तो भीवन ये होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग नाउ, यहाँ पे नाउ लगाओ, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस, यहाँ पे ये हो गया। अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, 33 में हो जाएगा छोटू, देखते हैं, हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी वाज इल लिखा हुआ, इफ लिखा हुआ, इसका क्या बनाना है, डायरेक्ट नरेशन बनाना है, तो ऑप्शन नंबर डी। आर यू कमिंग विथ अस ही आस्क्ड हिम, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए, बना करके देख लीजिएगा, अगर नहीं बने तो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में डाल करके। लर्निंग फ्रेंच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेंच, ए रिटेन स्टेटमेंट और ओथ इज, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा, एन एग्रीमेंट। यहाँ पे देखिएगा जॉन्डन इज कैसा पोएट थे, तो मेटाफिजिकल पोएट थे, हमने कई एक बार बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे फिर देखिएगा स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कम टू बी नोन एज, तो हो जाएगा रिसेव्ड प्रोनाउंसिएशन, एंड नाइटिंगल, ठीक है, एंड द नाइटिंगल इज डम इज फ्रॉम कॉन्स लिया गया, तो नाउ द लिप्स आर फेलिंग फास्ट लिया गया। रूपर्ट ब्रेजेज इंग्लैंड के अपने देश की प्रशंसा कर रहे थे, आगे के देखते हैं ऑप्शन में, मीन्स 41 नंबर। वाल्टर डेले मेयर मेक्स अ सवेयर, क्या इनह्यूमन कंडीशन, हमने बहुत बार याद करवाया। व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल मीन्स पर्पस, तो एजुकेशन, क्या होगा, एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश सेवन, कहां से लिया गया, तो द सोल्जर से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 44 का एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट, क्या, फ्रीज, ठीक है ना, फ्रीज। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय बर्टन रसेल, बताए थे हमने। यहाँ पे देखेंगे 46 में वाल्टर डेलेमेयर वाज बोर्न इन 1873 ईस्वी में। बर्टन रसेल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज कितना में, तो 1950 में, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम 15, तो देखिएगा हम आप लोग को बताए थे कि 5 से लेकर के 10 तक जो था वो ओल्ड, नहीं सॉरी ओल्ड इंग्लिश था, और यहाँ से 10 से लेकर के 15 तक के मिडिल इंग्लिश था, और 15 से जो अब तक है वो मॉडर्न इंग्लिश है, यानी 15 सेंचुरी का पूछ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। द बेस्टलैंड इज रिटन बाई T.S. Eliot के द्वारा लिखा गया था। इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर होगा, उससे छोटा है, क्योंकि सबसे पहले संस्कृत था। अब यहाँ पे देखते हैं आवर फोर्थ सेंस है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए वो मीन्स ये नहीं चाहते थे कि मीन्स हम लोग किसी का गुलाम बने, और मशीन जो है वो हम लोग को गुलाम बना देगा, तो दे न्यू वी शुड बी बिकम स्लेव्स, हम लोग गुलाम बन जाएंगे। एंड स्टॉप एंड ड्रिंकिंग लिटिल मोर, स्नेक का है, ठीक है ना, क्योंकि स्नेक थोड़ा सा पानी पिया था, फिर रुका था, फिर पानी पिया था, तो ये स्नेक का। डॉक्टर जाकिर हुसैन पीस, यानी कि बटन, ये भारत इज माई होम किसके द्वारा, मैकबेथ एंड जो, ये लिखा गया है शेक्सपियर के द्वारा।
बचपन में देखे हैं, सावित्री इज रिटन बाई मीन्स अरविंदो घोष। फिर हम लोग देखते हैं आफ्टर ऑल, हाँ ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी ऑप्शन नंबर बी। फिर यहाँ पे लिखा है राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ द, क्या होगा बाबू? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखते हैं 58 में बेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, यानी कि आवर एंसेस्टर्स। यहाँ पे देखते हैं द ग्रेट वॉवल शिफ्ट लुक प्लेस ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश, यहाँ पे क्या होगा? मिडिल इंग्लिश ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन बना एंड एज बी नो डैट, यानी कि यहाँ पे होगा ऑलवेज मार्च अहेड, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इन 60 का 60 हमने सोल्व कर दिया है, आप मिला लोगे, आप मिला लोगे। और मेरे को कमेंट में कर करके बताओ, ठीक है ना, कि आपका कितना सही हुआ। और मीन्स तो बच्चों अब जो है कल आर्ट्स का एग्जाम है, तो उनके उनके लिए भी सॉल्यूशन दिया जाएगा, लेकिन जो भी आपके पुराने हैं तो उनको बताया जाए कि शशि इंग्लिश क्लासेस में मीन्स 11th 12th के क्लास चलती है, तो आप उनको बताइए और चैनल को सबसे सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है ना। डैट्स ऑल, थैंक यू।